तो गाइस अभी मैं और डैडी जाने लग रहे हैं बिंजा सर में दूध लेने के लिए। स्कॉर्पियो यहाँ खड़ी थी इसके नीचे, क्योंकि दो तीन दिन पहले ना ओले आ गए थे, तो फिर सम्मी और यत्ती ने ना तिरपाल पड़ा था वो खोल के यहाँ बांध दिया था उसके नीचे। शौक सारे पूरे ठोक ठोक करदा, मेनू सारे कहतो रोक टोक करदा, गल्ला ना ना बिंजा सर से लेबर को लेने के लिए गए हुए हैं। सुनने सुनने लग दे आ पैर वे तुरिया ना जावे मोरा मगरा, गट्टी दे पौंदा रे नरम वे मेरे भी पा दे कदे चादरा, गट्टी दे पौंदा रे नरम वे मेरे भी पवा दे कदे चादरा। खाली हाथ ता जाना इत्थों सारिया ने इक वारी ता दुनिया वाली पा लांगे, कितने हाथ गवाए साडे ता तो गाइज ये देखो नाना जा रहे लेबर को लेके। तो गाइज अभी दूध ले लिया है। ये जो सामने घर दिख रहा होगा ना ये वाला, इससे लिया है। और यहाँ के ना घरों की एक खासियत है, लगभग घर है ना इस जमीन के लेवल से 5-6 फीट ऊपर ही है, 6-7 पैड़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है क्योंकि ये रेत वगैरह शिफ्ट होता रहता ना इसलिए। चलो अभी खेत पर जाके मिलते हैं आपसे। तो राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होगे। आज अपना खेत पर 5वां दिन है और आज हम जो फिलामनी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पूड़ी बांधने के लिए रस्सी चाहिए होती है ना उसके बंडल ला रखे हैं नाना ने, आपने पिछली वीडियोज़ में देखे भी होंगे। तो उसको पूड़ी बांधने के लिए ना कटाई करके उस रस्सी को तैयार करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अभी यत्ती भाई रस्सी को खोल के खाट पे लपेट रहा है, फिर कैची से काट देंगे इसको दोनों साइड से, और फिर बाद में किसी भी एक साइड पे सरपासे वाली गांठ मार देंगे। दोस्तों अभी सम्मी भाई तालाब के साथ में ये थोड़ा खरपतवार अडंगा वगैरह हो रखा था तो उसको निकाल रहा है। ये यहाँ तालाब के यहाँ पे भी पत्ते वगैरह हो रखे थे नीचे वाली पैड़ियों पे, तो वो तो कर दिया सम्मी ने साफ। ये थोड़े बहुत तालाब के अंदर ही हैं पत्ते, वहाँ उस साइड वो पानी भर के ले जा रहे हैं रोड के लिए, स्विमिंग का जुगाड़ कर रखा है। छोटू मैडम जन्म ले लिया जाट के, खेती क्यों कर छोटू मैडम जन्म ले लिया जाट के, तेरे ख्याल करे तो मेरे मेरी देखे खेत बाट से मेरी देखे खेत। तो गाइस अभी सम्मियत्ती तो पाइप निकालने लग रहे हैं, एक पाइप रहती थी फैली हुई थी यहाँ पे। मैं और डैडी आए हुए अपने खेत के टिब्बे के ऊपर, सीन को एंजॉय कर रहे हैं। चलो फिर अभी चलते हैं नीचे, पाइप वगैरह सारी निकाल दिए जो में से। दोस्तों अपना जो तालाब है उसके पीछे की भी जो कट चुकी हैं, अभी ये सिर्फ बांधनी रहती है, लेबर लगी हुई है बांधने में। और वो पीछे क्या है ना 4 बीघा के आसपास रहती है ये बाउंड्री के साथ साथ जो। तो अभी पाइप वगैरह फुहारे वगैरह निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये 3600 ला रखा है यहाँ पे, उसके बाद नाना कटाई पे लगेंगे। अभी नाना जो गिरे हुए हैं जो उनको निकाल रहे हैं इस साइड, यत्ती भाई मैंने और डैडी ने जो फुहारे निकाले थे उनको लेके जा रहे हैं। पीछे पीछे अपना सम्मी भाई भी आ गया है, अभी डैडी आ गए और फुहारे निकाल रहे हैं। फिर कटाई की चाल इस साइड से बनाएंगे आगे बाउंड्री तक। तो दोस्तों देखो अपनी जो की कटाई इतनी हो चुकी है,
अभी वो पीछे पीछे वाली रहती है करीबन 4 बीघा के आसपास यहाँ से लेके वहाँ तक, और फिर वो बाउंड्री के साथ साथ है थोड़ा सा, वो प्याज उगा रखे हैं उसके साइड तक। बाकी बंधाई भी लगभग हो चुकी है, वो पीछे लेबर लगी हुई। अभी नाना और वहाँ से कटाई करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ से सीधी फाट भरेंगे बाउंड्री तक। और साथियों इस तरफ काम वाले कटाई के काम पर लगे हुए हैं। इस साइड डैडी खड़े हुए हैं। खेती छोड़ दी जमींदारा ने, दुनिया ने कौन खुआवेगा तेरे फैशन खातर मोला मैं फिर ब्रांड कड़े तयावेगा ब्रांड कड़े तयावेगा खून मचो तेरे गुलामी ते तो नाट से तेरे ख्याल करे खेत बाट से मेरी। ये देखो रात में गेहूं कटाई का काम चल रहा है। खेती क्यों कर छोटू मैडम जन्म ले लिया जाट के खेती क्यों कर छोटू मैडम